यूके के एक कोरोनर ने प्रोटीन शेक में स्वास्थ्य चेतावनी जोड़ने का आग्रह किया है। उदाहरण के लिए सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी होती है कि इससे मुंह का कैंसर आदि हो सकता है। इसी तरह प्रोटीन पाउडर के पैकेट पर भी चेतावनी होनी चाहिए। लेकिन क्यों? ये तो स्वास्थ्य है ना? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ब्रिटेन में 16 साल के रोहन गोधानिया की प्रोटीन शेक पीने से मौत हो गई। ये बहुत पहले अगस्त 2020 में हुआ था, फिर हम इसके बारे में अभी क्यों विचार कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटेन में रहने वाला भारतीय मूल का लड़का है रोहन। रोहन के पिता ने कहा कि उन्होंने रोहन की मांसपेशियां बनाने के लिए उसके लिए प्रोटीन ड्रिंक खरीदा। हमने सोचा कि जिम आदि जाने के लिए उसे परेशान करने के बजाय प्रोटीन शेक बेहतर मदद करेगा, क्योंकि रोहन बहुत पतला था और प्रोटीन शेक से उसकी मांसपेशियां बनने में मदद मिलती। इस तरह रोहन ने प्रोटीन शेक पीना शुरू किया। एक बार शेक पीने के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे उल्टियां हो रही थी। उसके परिवार ने उसे लंच के लिए बुलाया, लेकिन उसने कहा कि उसे ठीक नहीं है और उसने मना कर दिया। फिर वो सो गया। अगले दिन रोहन की तबीयत वैसी ही थी और उसे कई बार उल्टियां हुई। उसके परिवार ने चिंतित होकर उसे अस्पताल ले गए। रोहन को तुरंत आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। सीटी स्कैन में उसके मस्तिष्क में गंभीर सूजन पाई गई। परिवार उसका ऑपरेशन करवाना चाहता था, लेकिन दिमाग की नसों का ऑपरेशन करना मुश्किल था। रोहन का 18 अगस्त 2020 को निधन हो गया। क्या प्रोटीन शेक की वजह से उसकी मौत हो गई? रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटीन शेक के कारण ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बाइन लैस हुआ होगा। ये एक दुर्लभ स्थिति है जो रक्त प्रवाह में अमोनिया के स्तर को घातक स्तर तक बढ़ा देती है। शायद रोहन को शेक सूट नहीं किया हुआ होगा। वह गंभीर था और सर्जरी कठिन थी। इसके बाद उसका निधन हो गया। मृत्यु के बाद रोहन की आंखें, किडनी, लीवर और अन्य अंग दान कर दिए गए। जिस व्यक्ति को अंग प्राप्त हुए थे वो ठीक था। हालांकि एक वर्ष के बाद उस व्यक्ति को भी दौरे के लिए अस्पताल ले जाया गया। कार्रवाई के दौरान कोरोनर टॉम ऑसबॉर्न ने कहा कि हालांकि ओटीसी दुर्लभ है, उन्होंने अधिकारियों से प्रोटीन ड्रिंक पर स्वास्थ्य चेतावनियां छापने के लिए कहा। प्रोटीन पाउडर पौधों, चावल, अंडे या दूध जैसी प्राकृतिक अवयवों से प्राप्त होते हैं। लेकिन यह अजीब घटना थी। ओटीसी एक दुर्लभ स्थिति है जो रक्त में अमोनिया के स्तर को बढ़ा सकती है। जहां प्रोटीन शेक कुछ लोगों को मांसपेशियां बनाने में मदद करता है, वहीं कुछ के लिए ये एलर्जी, पाचन तंत्र में परेशानी, अंग क्षति, कब्ज, मोटापा आदि का कारण बन सकता है। प्रोटीन पाउडर और शेक के कुछ नकारात्मक दुष्प्रभाव है। यदि आप प्रोटीन शेक या अन्य सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उनका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। दिए गए नियमों का पालन करें और फिर प्रोटीन शेक पीना शुरू करें। सही खान पान के बिना केवल शेक के रूप में प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।
प्राकृतिक भोजन और प्रोटीन शेक के बीच संतुलन होना चाहिए। निर्देशों का पालन करें और केवल वही खाएं जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त हो। संतुलन होना चाहिए, इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर से सलाह लें और सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसलिए ये सुझाव दिया गया कि प्रोटीन शेक पर भी चेतावनी छापी जानी चाहिए।